नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरहीन अंसारी। कांग्रेस के अंदर काफी वक्त से चली आ रही अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने 4 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इस चिट्ठी के चलते सोनिया गांधी को बैठक बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर के साथ ही लगभग 23 असंतुष्ट नेताओं को भी बुलाया गया है। हालांकि 10 जनपद पर चल रही बैठक को वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली नियमित मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन साफ है कि ये असंतुष्ट नेताओं से बातचीत की कवायद ही है। ये पहली बार है जब बागी खेमे के प्रमुख नेता ऐसी बैठक में पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पृथ्वीराज चौहान, पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कमलनाथ सहित पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक के लिए 10 जनपद पहुंचे हैं। गौरतलब है कि इस मीटिंग को पार्टी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव, हैदराबाद नगर निकाय, गोवा, केरला और राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि अपनी पार्टी के नाराज नेताओं से बात करने के लिए सोनिया गांधी ने अपने आवास पर ये बैठक बुलाई है। अब इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है, ये जानने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप रह सके देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट।